हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप देंगे फाइन। वेलकम टू ड्रोन टेक डॉक्टर। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले मैविक मिनी के बारे में। मैविक मिनी के ऊपर काफ़ी मेरे को क्वेश्चन आ रहे हैं। काफ़ी लोग इंतज़ार करके थक गए हैं, तो बाहर कोई किसी का रिश्तेदार है या कोई बाहर घूमने जा रहा है, कनाडा या थाईलैंड या कहीं भी, और वो चाह रहे हैं, पूछना चाहते हैं, काफ़ी सवाल आते हैं कि हम मैविक मिनी को अपने साथ ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी और एयरपोर्ट पे कुछ चक्कर तो नहीं पड़ेगा। तो इन सारे सवालों के मैं जवाब देने वाला हूँ। पहले भी मैं इस पे वीडियो ऐसे बना चुका हूँ, लेकिन मैविक मिनी के लिए कुछ ज़्यादा ही धूम मची हुई है, क्योंकि बहुत अच्छा ड्रोन है मेरे हिसाब से। बिगिनर ड्रोन 249 ग्राम्स का, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करानी पड़ेगी आपको, बिंदास उड़ा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। वो क्या चीज़ें हैं वो मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ रेगुलेशंस के ऊपर, तो वो आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं स्पेसिफिकली वो चीज़ें मैं बताऊँ एक अलग से वीडियो बना के, तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए, तो मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा मैविक मिनी के लिए कि क्या क्या चीज़ें आप उसमें लीगली कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो, जो कि है इसको आप कैसे लेकर आ सकते हैं और लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। पूरा क्लियर करूँगा कि क्या हिसाब किताब है मैविक मिनी के हिसाब से, अगर आप उसको लेना चाहते हैं बाहर से। तो स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो। सबसे पहले मैं आपको, सबसे बड़ा डाउट ये है कि काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि इसको हम इंपोर्ट करवा लें, तो इंपोर्ट तो कतई मत करवाएं, नो, बिग नो। इंपोर्ट आपने कोई ड्रोन नहीं कराना, इंपोर्ट कराएंगे तो फंसने के चांस 100% हैं, तो आपके पैसे भी जाएंगे, ड्रोन भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने ड्रोन इम्पोर्ट की परमिशन का ना तो कुछ किया है। जो हमारा डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म जैसा शुरू हुआ था वैसे का वैसा पड़ा, मिट्टी हो रहा है, कोई उसमें अपडेट कोई कुछ नहीं हुआ अब तक। जो वहाँ लिखा गया था, तामझाम बनाया गया था कि आपको परमिशन मिल जाएगी, आप ले पाएंगे, ऐसा आज अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। तो ये आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आप अगर आप इंपोर्ट कराने का सोच रहे हैं मैविक मिनी को, ये सोच के कि वो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। हाँ, उसका रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो नैनो कैटेगरी में आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको बिंदास इंपोर्ट करवा सकते हैं, तो आप इसको इंपोर्ट ना करवाएं। नंबर टू, अगर आपका कोई रिश्तेदार बाहर से आ रहा है उससे मंगवाना चाहते हैं, या आप खुद कहीं घूमने जा रहे हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर ड्रोन मिलते हैं और वहाँ से वापसी में उसको लेके आना चाहते हैं, तो तब क्या करें, तब ये ड्रोन वहाँ से लाना काफ़ी ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रोन्स। सबसे बड़ा कारण उसका ये है, काफ़ी छोटा है। नंबर दो, नैनो कैटेगरी का है, पर इन तामझाम में आपने पढ़ना नहीं है क्या क्या आपने सावधानियाँ बरतनी है, कैसे कैसे लेकर आना है, तो कुछ टिप्स आपको दूंगा। 90% ये काम करती हैं, उसी टिप्स को फॉलो करते हुए काफ़ी लोग इंडिया में ये लेकर आ चुके हैं। और बाकी जहाँ तक बात है कि इंडिया में कब अवेलेबल होगा, वो कुछ जगह पर अवेलेबल हो गया बट काफ़ी महंगा दे रहे हैं। जहाँ तक मेरे सोर्सेज में था वहाँ पर अभी तक कुछ पता लगा नहीं है। तो जो मुद्दे की बात है इस वीडियो की, वो करते हैं कि कैसे लेके आना है बाहर से। अगर आप आ रहे हैं, अगर आप बाहर से उसको लेकर आ रहे हैं, तो जैसे मैं पहले बता रहा हूँ, डिसमेंटल करके लाएं। डिसमेंटल करने का मतलब ये है कि आपने अलग अलग पोर्शन में उसको बांट देना है, उसके प्रोपेलर्स किसी और बैग में डाल दिए, बैटरी किसी और बैग में डाल दी, ड्रोन किसी और बैग में डाल दिया, और जो वो पैकिंग होती है उसको कतई नहीं लेके आना। पैकिंग लाएंगे तो गड़बड़ हो सकती है, पैकिंग वहीं पर छोड़ें, ये ड्रोन के पार्ट्स को अलग अलग तरह डिसमेंटल करें, अलग अलग करें और अलग अलग बैग्स में लेकर आएं, तब 90% आपका ड्रोन सेफली आपके पास इंडिया में आ जाएगा। यही तरीके से काफ़ी लोग ड्रोन ला चुके हैं और उनको सक्सेस मिली है। जितने भी आप अनबॉक्सिंग्स अभी तक देख रहे हैं, मोस्टली लोग या तो बाहर से खुद जाकर लेकर आए हैं इसी तरह से, या उन्होंने किसी और से अपने रिश्तेदार से मंगवाया है। तो काफ़ी लोगों का ये डाउट था, काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था कि हम बाहर से मैविक मिनी ला सकते हैं या नहीं ला सकते। ला सकते हैं, लेकिन इन तरीकों को इस्तेमाल करके जो मैंने आपको क्लियर कर दें। ये इतना कुछ क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि अभी भी इंडियन रूल्स के हिसाब से एयरपोर्ट के ऊपर अगर ड्रोन मिलता है तो वो बैन हो सकता है, वो आपको कॉन्फिस्टिकेट हो जाएगा 100%, क्योंकि अभी तक इसका कोई क्वेश्चन मार्क है। रेगुलेशन बन चुकी है, सब कुछ बन चुका है, स्टिल इट इज क्वेश्चन मार्क, कि क्वेश्चन मार्क भी है, क्लियर है कि अभी वो अलाउड नहीं है एयरपोर्ट्स के ऊपर। तो यही तरीका है जिस तरह से लोग ला रहे हैं, तो 90% ये काम करता है, 10% अगर आप अनलक्की हैं रिस्क है आपका ड्रोन कॉन्फिस्टिकेट होने का, अदरवाइज 90% ये काम करता है। तो इस तरह से आप अपना मैविक मिनी यहाँ पर ला सकते हैं। बाकी यहाँ पर अवेलेबल कब होगा, तो जहाँ तक मुझे अपडेट मिली है दिसंबर एंड में, काफ़ी जगह पर आ भी गया सुनने में आया, बट जो मैं अपना बता रहा हूँ वो दिसंबर एंड तक शायद अवेलेबल हो जाए। बट अगर आप बाहर से ऐसे किसी से मंगवाना चाहते हैं तो इस तरह से आप ले सकते हैं।
और जहाँ तक बात है इसकी मतलब किफ़ायती की वैल्यू फॉर मनी के लिए, तो यस इट इज़ वैल्यू फॉर मनी ड्रोन, क्योंकि आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाता है जो एक कैजुअल यूज़र को जिसने अपनी फैमिली की वीडियोज़ या यूट्यूब के वीडियोज़ में ड्रोन शॉट्स यूज़ करने हैं, तो उसके लिए 2.7K का वो रिकॉर्डिंग करें, बहुत बढ़िया फुटेज आती है, फुल HD में अपलोड करें अगर आपकी 4K की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस हिसाब से काफ़ी अच्छा बनाया। सबसे बढ़िया इसमें सबसे अच्छी चीज़ हमें मुझे जो पर्सनली लगी है वो इसकी बैटरी बैकअप, क्योंकि ये आपको क्लेम किया गया 29 से 30 मिनट का, तो आराम से 25 मिनट का आपको फ्लाइट टाइम दे देता है, और जो कि बहुत ही बेहतरीन है इस सेगमेंट में और इस प्राइस रेंज में। बाकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, रेंज बहुत अच्छी है, मतलब आपके यूज़ के लिए बहुत बढ़िया ड्रोन है, बहुत बढ़िया बिगनर ड्रोन है। तो फिर भी कोई आपका क्वेश्चन है मैविक मिनी से लेके कमेंट बॉक्स में भी लेके, और अगर आप नए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे लाते हैं हम ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, उसके अलावा टेक जो मैं यूज़ करता हूँ, जैसे मोबाइल्स, हमारे ट्रिमर्स, ऑडियो इक्विपमेंट्स, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी मैं यूज़ करता हूँ, टेक गैजेट्स मैं यूज़ करता हूँ, वो मैं शेयर करता हूँ इस चैनल पे, ताकि आपको या उस वो गैजेट्स लेने वालों को मदद मिल जाए। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और अपने रिकमेंडेशन बताता हूँ, और मैं भी खुद रिसर्च करके ही अपने प्रोडक्ट जो मैं खुद यूज़ करने वाला होता हूँ वो मैं लेता हूँ। तो आपको पसंद आएगा वीडियो, तो आपका कोई भी इन तरह से टेक गैजेट्स में आपका इंटरेस्ट है, ऑफकोर्स होगा, काफ़ी लोग इत्तेफाक रखते हैं हमारे से, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स। जय माता।